बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आत्मसात कर रहा हूं, आई एम शेयरिंग विथ यू माई एक्सपीरियंसिस अबाउट बंगाल द पास्ट टू डेज व्हाट हैज हैपेंड। सबसे पहली बात तो यह है कि आज जो दिन में घटना घटी है वह बहुत ही बंगाल के बारे में एक गलत धारणा बनाने के लिए एक प्रमाण के रूप में हम सबके सामने आती है। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है और पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई भी स्थान नहीं है। बंगाल जो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता रहा, बंगाल जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है, बंगाल जहां रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव जिन्होंने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जहां हमारे श्री अरबिंदो ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, उस बंगाल में आज ममता सरकार ने जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम चला रही हैं वह प्रजातंत्र के लिए अत्यंत घातक, इट इज डेट्रीमेंटल टू द इंडियन डेमोक्रेसी। और यह स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे हैं और उन बच्चों के साथ तय जिंदगी खड़े रहेंगे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। आज आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी की का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ और जिस तरीके से इनके इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, कोई बचा नहीं। हमारे अनुपम हजारा जी हैं, उनकी व्हीकल्स सारी की सारी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड। हमारे राहुल जी का, इनकी भी व्हीकल बची नहीं। शिव प्रकाश जी के जो सहयोगी हैं उनको बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो दिस इज द सिनेरियो। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल डाउन, देर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, राजनीतिक विद्वेष के साथ काम चल रहा है। क्या हम ऐसे ही बंगाल की कल्पना करते हैं? क्या यही रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल था जहां विचारों का आदान प्रदान होता था? क्या यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल है, जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बंगाल को विभाजित होने के साथ साथ बंगाल को बचाया, जहां पाकिस्तान ने का विभाजन करने में वो सक्षम रहे और उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे जहां इंटरैक्शन होते रहे, पॉलिटिकल डिस्कोर्स होते रहे, पॉलिटिकल डिबेट्स होते रहे, क्या आज इस तरीके की कल्पना ममता जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि देर विल बी नो डिबेट, देर विल बी नो डिस्कशन? मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा और विचारधारा के आदान प्रदान से लोगों का दिल जीतेगा। इसके लिए हम काम करने वाले हम इस तरीके की घटना को कभी सहने वाले नहीं है। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जब हम बात करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज आज के ही दिन मिला था और नोबेल प्राइज में जो गीतांजलि लिखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जब सर ऊंचा रहता है और विचारों से कोई डरता नहीं है तो वह सबसे उत्तम स्थिति होती है। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, विच सेड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई
टुडे द हेड इज डाउन एंड पीपल ऑफ बंगाल आर फुल ऑफ फियर। ये स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। यह उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को।